हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और रास्ता बड़ा ख़तरनाक तरीन है, लेकिन तो इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं। और आज का व्लॉग जो है उसका कंटेंट ये है कि हमने जो आज है इस पे वॉक करनी रोड पे, तो इससे बहुत सारी चीज़ें भी आपको दिखानी है, तो वो दिखानी है साथ साथ एक ऊपर व्लॉग। तो अभी करेंगे, आगे जाएंगे और सारा अभी आपको माहौल शोर दिखाते हैं और रोड पे घुमाते हैं। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, पता नहीं मैं कोई कौन सा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो किसी किसी को पता है। लेकिन आज हम अभी आपको दिखाएंगे रोड पे और रोड पे घूमेंगे फिरेंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना वो हम रोड पे गुजारेंगे कि इफ्तारी के बाद रोड पे क्या माहौल शोर होता है। तो साथ साथ रहिएगा और पूरा व्लॉग देखेगा। और इसी तरह आज फिर चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, तो अभी हम आगे जाने लगे हैं और पीछे आप देख रहे हैं रोड पे, सारा रोड ही रोड है इधर। तो आगे जाएंगे अभी और लोग बड़े ख़तरनाक निगाह से देख रहे हैं। तो पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मैं कर रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आगे चलते हैं, अभी करते हैं जो भी। ये जो है जहाँ पे हम फिर हैं, ये हमारा चौक है बेसिकली, इससे आगे गली जा रही है। पीछे जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से आगे जाती है और वहाँ से आगे हम जाके फिर आगे वहाँ से आगे कार चलाते हैं। अच्छा, तो ये आप पीछे देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह जा रहे हैं। और ये देखिए, इधर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पीछे मेरा घोड़ा खड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पे भी ये बड़ा बेहतरीन माहौल, रोड के ऊपर ही घोड़ा बांध दिया, जंगला लगा के आगे। और इधर देखे तो वेल्डिंग हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, हर कोई लगा हुआ है। अफ्तारी के बाद भी वेल्डिंग कर रहे हैं, कमाल ही हो गया। ये देखे तो ये इधर पीछे हमारे रोड पे जी भैंसे खड़ी हुई है, ये देखें आप पीछे खड़ी है। और ये इसका क्यूट सा बच्चा खड़ा हुआ है ये पीछे, ये वाला इस तरह ये साथ। इधर देखे तो हाजी गुलजार वेल्डिंग वाला बैठा हुआ है। और ये होंडा की है जनाब दुकान ये वाली। और इधर जनाब का डब्बा वॉश हो रहा है और पता नहीं क्या क्या काम हो रहे हैं जनाब। भाईजान मेहनत मशक्कत कर रहे हैं और मेहनत मशक्कत से जा रहे हैं। इधर देखे तो कई डब्बा लगा हुआ है, इधर देखे तो हर चीज़ आ जा रही है। और इधर देखे तो दुकानें बंद पड़ी हुई आप जा रहा हूँ मैं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कैमरा लगाना आगे सामने, क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए भाईजान इतना कि रोड के ऊपर चलते हुए कैमरा लगा के और फिर लोग भी देख रहे हो बनता है फिर। और पीछे पीछे भाई को देखे तो वो पता नहीं किससे बातों में लगे हुए हैं सारी की अफ्तारी के बाद। और हमारे चौक के मशहूर हाँ ये भाई बैठे हुए इधर। और इधर ये हमारा जो है ना, ये वाला हमारे चौक के मशहूर दही भले हैं, और किसी कबाई ने खाने हैं तो आ जाए खिला दूँगा उनको। और इधर देखे तो ये सारा इधर बना हुआ है जी, तरबूजे शरबूजे लगाए हुए हैं इन्होंने और सारा बड़ा माहौल शर बना हुआ है। और फिलहाल बड़ा मज़ा आ रहा है जाने में और लोग भी बड़ा देख रहे हैं और थे क्या कर रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस चाहिए भाईजान। मैं करूँगा कॉन्फिडेंस करूँगा, क्योंकि आप तक भी तो पहुँचाना है ना फिर मजे मजे की दे। संदूकचे में देखे सोचने की बात है कि इसमें क्या होगा, क्या होगा इस संदूकचे में, तो ये जानते हैं। तो भाईजान चौक में पहुँच गए हैं, आम तरफ जारी है, ये हमारा चौक है जो अभी तैयार हो रहा है। और अभी इसकी थोड़ी मरम्मत शरम्मत जारी है और कुछ ही दिनों तक ये बेहतरीन बन जाएगा। और ये बन जाएगा जी, ओवरसीज बन जाएगा, लड़का देख रहा है तो यार देखने दे। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अभी ये थोड़ा बन रहा है, तो आगे दिखाता हूँ अभी आपको सारा घुमा के। ये सारा चौक है ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा था कि हमारा जो मेन चौक है जो टूट फूट का शिकार है और इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। और इसके बाद बड़ी वहाँ पर मार्केट बन रही है यहाँ पर, जाएगा। अच्छा, तो फिलहाल जाते हैं हम थोड़ा आगे और कुछ और देखते हैं क्या माहौल शोर चल रहा है आगे। तो
फिलहाल पाए को देखते हैं, क्योंकि हमने आज जो वर्जिश का प्रोग्राम रहा ना, वो ये बनाया कि आज रोड पे हम वर्जिश करेंगे, ठीक है, और ऑडियंस में जाएंगे और ऑडियंस में व्लॉग बनाएंगे। तो वाट एवर जो भी होता है आगे देखते हैं। जब के हमें खदशात बहुत हैं, लेकिन नहीं, पीछे आप देख रहे होंगे सारा बन रहा है पुराना यामो की तरह, हर चीज़ में जा रहा है और बड़ा माहौल शोर बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ना, पहले यहाँ पर जो था वो क्या कहते हैं, रोड था जो टूट फूट का शिकार था, वो बिल्कुल ही फारिग था, लेकिन अब जो है ना, अब कुछ गवर्नमेंट ने मेहरबानी की है तो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जो कि पिछली हुकूमत में शुरू हुआ था। अब देखते हैं आगे हुकूमत में क्या होता है। तो उन्होंने कहा जी वनवे बनाना है, तो दस्ती काम शुरू हो गया और माशाल्लाह से अब बनने भी वाला है। और अब आ गए हैं जी नई हुकूमत, मियाँ साहब आ गए हैं, देखते हैं मियाँ साहब क्या करते हैं। बाकी जो है, बाकी तो अभी चल रहा है। देखें यार आंखें कैसी लग रही हैं, ये देखें, क्यूट क्यूट है माशाल्लाह। और एक इधर भी फिर रहा है, ये हमारा जग्गा पहलवान है, ये हमारा जग्गा पहलवान है। और एक ये जीप खड़ी हुई है भाईजान, पिछले दिनों की शिकार हुई हुई है इसको, मरीज़ बहुत ज़्यादा, इसका मर्ज़ बढ़ गया, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुई खड़ी। अच्छा, तो आपको मैं बताऊं कि ना, हमारे जो शहर का मशहूर तरीन होटल है, मैं कहता हूँ बाहर से लोग आते हैं, और क्योंकि रमज़ान है तो अब रश तो काम है, लेकिन पहले इधर रश ही रश होता था, हर जगह पर जनाब जगह नहीं मिलती यहाँ पर। और वो है जी ये होटल, ठीक है, ये वाला वो होटल है, यहाँ पर 24 घंटे रश ही रश होता है और फुल होता है, लेकिन अब रमज़ान की वजह से ये थोड़ा है बंद हो पड़ा। नाम इसका है भाईजान शनवारी डेरा, ठीक है। भाईजान मैंने कार ले ली है, तो इसको अब मैंने बनाना है टार्जन। तो अगर किसी भाई को इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हो तो वो बता सकता है मुझे, क्योंकि देखिए बड़ी महंगी तरीन गाड़ी है ये, और माशाल्लाह देखें ना कैसी कमाल है। तो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि, थोड़ा मैं अंदर बैठूंगा ना इसके, तो फिर जो होगा वो सही है ना, इसके आगे लगा दूं और फिर इसको टार्जन बना दूं, क्योंकि जो पहली टार्जन थी ना उसका थोड़ा था वो वाला, वो थोड़ी मॉडर्न कार थी। मैं कहता हूँ कि थोड़ा मैं पीछे भी बंदे बढ़ा लूँ, हैं थोड़ा बाहर छुड़ा के फिर जाऊँ और फिर ले जाऊँ। तो कमेंट में ज़रूर बताएगा कैसी लगी मेरी टार्जन। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात मैंने ये करनी थी कि जो मेरा ये वाला व्लॉग है ये आएगा सहरी टाइम, क्योंकि थोड़ा मसला बन गया, मसला ये बन गया कि टाइम का प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि अफ्तारी भी करनी होती है, अफ्तारी के बाद दिल नहीं करता कुछ करने का, तो व्लॉग भी बनाना होता है, फिर एडिटिंग भी करनी होती है, और फिर तो मतलब यार लेट जाती है, रात 12 बज जाते हैं। तो फिर अफ्तार सहरी टाइम मैंने कहा है, अब जो अगले रिमेनिंग रह गए हैं, रिमेनिंग 4 to 5 रह गए हैं, तो ये आएंगे जी उसी में ही, क्या कहते हैं वो सारे टाइम आएंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहना है और इस तरह देखते रहना है। और ये मैंने बात आपको बतानी थी, मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिखी थी, शायद अगर किसी ने पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं, मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। और अब जो ये वाला व्लॉग आएगा, मतलब कल आएगा ये, क्योंकि आज तो 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, कल 2:30 बजे आएगा, तो लाजमी देखना फिर इसको। ये दो बैल है और ऊपर मैं ही बैठा हूँ ये देख के आप, और यहाँ पर जो है ना इसको भी भगाते हैं, और इसका नाम है जी बैल गाड़ी चौक। यहाँ पर दो बैल लगा के पुराने वक्तों के बनाए हुए हैं, और इसको कहा गया बैल गाड़ी चौक, सकाफत को उजागर करते हुए कहा गया कि पुरानी सकाफत में ये चलता था, तो अब ये बना दिया गया है, बड़ा प्यारा बनाया हुआ है। और जहाज़ वगैरह खुला होता था, फिर आप आ गया मैं, और ये हमारा बनाया हुआ पाकिस्तान, और ये है बनाया हुआ ये वाला, ठीक है। अच्छा, तो इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं, और पूरा व्लॉग देख करें, और इस तरह सपोर्ट करते रहा करें। और कमाल है यार, कॉन्फिडेंस
तो इसी तरह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।